बच्चों नमस्ते। बच्चों, आप सभी ने यह कहावत तो जरूर ही सुनी होगी, एक समझदार शत्रु मूर्ख मित्र से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। बच्चों, समझदार शत्रु हमें जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, जबकि मूर्ख मित्र हमें अनजाने में बहुत बार कष्ट पहुंचा सकता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर हमें कार्य करना चाहिए और दोस्ती करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक कविता पाठ 23 गुरु और चेला पढ़ेंगे, जिसमें एक राजा की मूर्खता और गुरु और चेला की कहानी है, जो कविता के रूप में है। इसे मैं पढ़ूंगी, फिर आप भी साथ में दोहराएंगे। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। बच्चों, अब आप भी दोहराइए। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भर री। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहां बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहां आज पंडित। यह अंधेरे नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन छन में, यहां ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी कहे रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूंगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झटपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिष्टी की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिष्टी बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिष्टी हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की हिमाकत।
तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आपको आगे जानने की इच्छा हो रही होगी कि आगे क्या हुआ? बच्चों, हम आपको आगे की कविता अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। अभी आपको इस कविता का अर्थ बता देते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। बच्चों, ये कहानी अंधेर नगरी के गुरु और चेला की है। चेला मतलब शिष्य। दोनों इस शहर में आते हैं। उनके पास एक भी पैसा नहीं था, ढेला जिसका मतलब पैसा। और उस शहर की सड़कें एकदम चकाचक थीं, साफ सुथरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भरी। पता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। गुरु और चेले को उस शहर में एक ग्वालिन मिली। तो गुरु ने ग्वालिन से पूछा, ग्वालिन मतलब दूध बेचने वाली, उससे पूछा कि इस नगर का राजा कौन है जिसका यहाँ पर बोलबाला है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तब ग्वालिन ने कहा कि महाराज पंडित, भले ही आप इस नगर में आए हो, लेकिन यह अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा बड़ा मूर्ख है। यहाँ टका सेर भाजी और टका सेर खाजा मिलता है। टका का अर्थ होता है बच्चों सिक्का। उस जमाने में जो सिक्का चलता था उसको कहते हैं। तो ग्वालिन ने बताया कि वहाँ पर एक ही टके से सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब सारा सामान एक ही भाव में मिलता था। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। तब ये सुनकर गुरु ने कहा कि इस अंधेर नगरी में रहना खतरे से खाली नहीं है, न जाने किस वक्त मुसीबत अपने गले पड़ जाए, यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु ने चेले को मूर्ख राजा के नगर से जाने के लिए बहुत कहा, लेकिन चेला नहीं माना। गुरु ने बहुत मनाया, आखिर में गुरु वहाँ से चला गया और चेला वहीं अकेला रह गया और सोचने लगा कि मैं अकेला रहूँगा और खूब खाऊँगा और खूब मोटा हो जाऊँगा। बच्चों, अब आगे क्या हुआ चलो जानते हैं। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। अब एक दिन चेला बाजार घूमने चला गया। वहाँ ये देख के हैरान हो गया कि सारी चीज़ें टके सेर बिक रही थी, मतलब सारी चीज़ें एक ही भाव में एक टके में बिक रही थी, चाहे वो हल्दी हो जीरा हो ककड़ी हो या खीरा हो, सारा सामान एक ही भाव में बिक रहा था। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो बच्चों, क्या होगा इसका अर्थ? उस मूर्ख राजा के नगर में सब कुछ टके सेर मिलती थी, रबड़ी और मलाई भी टके सेर मिलती थी। चेला ने खूब रबड़ी मलाई खाई और अब आगे सुनो क्या हुआ उस अंधेर नगरी में। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। बच्चों, उस साल उस नगर में बहुत बारिश हुई और बहुत बिजली भी चमकी।
बादल खूब गरजते थे और बिजली भी खूब चमकती थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी ये क्यों यह दीवार किसने गिराया? बारिश के कारण राज्य की एक दीवार गिर गई। अब राजा तुरंत वहां पहुंच गए जहां पर दीवार गिरी थी। उन्होंने संतरी को डांट कर बुलाया और डांट कर पूछा कि ये दीवार किसने गिराई। तो बच्चों, दीवार किसने गिराई आओ जानते हैं आगे। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। संतरी ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरअसल दीवार ही कमजोर बनी थी। यह दीवार ना तो मोटी थी और ना घनी थी, इसीलिए कमजोर बनने से शायद ये दीवार गिर गई होगी। खता कारीगर की, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। अब बच्चों, कारीगर को वहां पर बुलाया गया। राजा ने जब संतरी से दीवार गिरने का कारण पूछा तो उसने कहा कि गलती मेरी नहीं है, गलती कारीगर की है। तो राजा ने आदेश दिया, तुरंत कारीगर को वहां पर बुलाया गया और कारीगर तुरंत आ गया। तो बच्चों, अब आगे देखते हैं कि गलती कारीगर की थी कि संतरी की थी या किसी और की। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। तब राजा ने कहा कि कारीगर को सजा दे दो, गलती इसी की है। तब कारीगर ने क्या कहा कि महाराज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आप मुझे माफ कर दीजिए। यह भिष्टी की है गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिष्टी बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। बच्चों, अब कारीगर ने गलती किस पर डाल दी? भिष्टी पर डाल दी। तो कारीगर ने क्या कहा कि यह भिष्टी की गलती है, उसी ने गारा गीला किया था। गारा याने दीवार बनाने का सामान, रेती सीमेंट, तो उसी ने गारा गीला किया था। तब राजा ने कहा कि जल्दी से भिष्टी को बुलाओ अगर गलती उसकी है, और पकड़कर उसको फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिष्टी, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। अब क्या हुआ बच्चों, भिष्टी को तुरंत बुलाया गया, भिष्टी तुरंत आ गया, और राजा से भिष्टी ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो गलती मशक बनाने वाले की है, जिसने मशक को बड़ा बना दिया और पानी उसमें ज्यादा समा गया। बच्चों, भिष्टी का अर्थ होता है मशक से पानी देने वाला व्यक्ति। अब मशक क्या होता है? चमड़े का एक थैला जिसके अंदर पानी भरा होता है। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिमाकत। अब बच्चों, भिष्टी के कहने पर मशक वाले को बुलाया गया। मशक वाले ने भी अपना बचाव किया और महाराज से कहा कि महाराज, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, इसमें तो गलती मंत्री की है, मंत्री ने ही गफलत की है। तो बच्चों, अभी तक आपने जो कविता पढ़ी और सुनी और अर्थ जाना, तो उससे आपने क्या सीखा? बिल्कुल सही, यही कि हमें हमेशा मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमें हमेशा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने जाना कि राजा बहुत मूर्ख है ना,
तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आगे की कहानी क्या होगी, तो ये हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। अब हम कर लेते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है बच्चों, टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे, बताओ बताओ। चलो मैं बताती हूँ इसका उत्तर होगा बच्चों, अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगेगा तो इससे सबको फायदा होगा, लेकिन उत्पादकों और विक्रेताओं को नुकसान होगा। उत्पादक यानी जो वस्तुएं पैदा करते हैं हमारे किसान, और विक्रेता उन चीजों को जो बेचते हैं उनको विक्रेता कहते हैं। तो उत्पादकों और विक्रेताओं को नुकसान होगा और उन्हें अपनी वस्तुओं की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। लागत यानी जितना पैसा वो उत्पादन में लगाएंगे उतना भी पैसा उनको नहीं मिलेगा। बच्चों अगला प्रश्न है, गुरु और चेला पाठ में आए ऐसे राज्य को अंधेर नगरी कहना ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो बच्चों सोचो इसका क्या उत्तर होना चाहिए। बच्चों इसका उत्तर है हाँ, ऐसे राज्य को अंधेर नगरी कहना ठीक होगा, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सजा देने के तरीके दोनों गलत थे। चारों ओर अज्ञानता का वातावरण था और राजा भी मूर्ख था। बच्चों अगला प्रश्न है, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। आपको बताना है कि इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, अमेरिका और सऊदी अरब में कौन सी मुद्राएं चलती हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। चलो मैं बताती हूँ इसका उत्तर है, इंग्लैंड में पौंड स्टर्लिंग मुद्रा चलती है और जापान में येन चलता है और फ्रांस में यूरो, अमेरिका में डॉलर और सऊदी अरब में दिनार। बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताओ और वाक्यों में प्रयोग करो। मुहावरे हैं अक्ल का दुश्मन, तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, मूर्ख। और वाक्यों में प्रयोग हम कैसे करेंगे, आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। अगला मुहावरा है आंखें खुलना, इसका अर्थ होता है सचेत होना। इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे बच्चों, ठोकर खाने के बाद ही बहुत लोगों की आंखें खुलती हैं। और अगला मुहावरा है ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना। इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तुम तो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, ईद का चांद हो गए हो। अगला है बच्चों आसमान से बातें करना, इसका अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना। और वाक्य में प्रयोग हम करेंगे, आजकल ऐसी इमारतें बनती हैं जो आसमान से बातें करती हैं। बच्चों अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। पहला प्रश्न है गृह कार्य का, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में 5 वाक्य लिखो। अगला प्रश्न है, इस पाठ में आए मिलते जुलते शब्दों को छाट कर लिखो, जैसे चेला धेला, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे, उसको आपको छाट कर कॉपी में लिखना है। अगला गृह कार्य है, पाठ में आए विलोम शब्द छाट कर लिखो। बच्चों आज यहीं तक, इस पाठ का दूसरा भाग हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।